ये सब रीच ने किया हुआ है और ये रीच की हरकतें हैं। ये बड़े बड़े जो पैर हैं देखिए, ये रीच के हैं। देखिए ये, देखिए ये सारे। और उफ, तो दोस्तों स्वागत है आपको फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं जो ब्लॉग खेतों की तरफ जा रहा हूँ, और आपको पता है इन खेतों में आजकल रीच होता है, उसको बालू कहते हैं, और जिसको बहुत ही खतरनाक जानवर है वो बालू, और बहुत ही डर डर के निकलना पड़ता है। और उसने आज तक बहुत खतरनाक, उसने 8 से 10 लोगों को उन्होंने जख्मी कर दिया बनिहाल के एरिया में, और हमें बच के जाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा मुझे। और ऊपर से मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, अगर खुदा ना करे अगर कहीं हो ना तो भाई मैं भाग नहीं सकता हूँ, मेरी मौत पक्की हो सकती है। और ये मेरा चावल का खेत है, वाह क्या ग्रोथ है। अब पता नहीं क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो अल्लाह जाने बेहतर, लेकिन ये है कि चावल की जो ग्रोथ है बहुत बढ़िया है, कुछ भी इसमें से लंबे हैं। और इसमें जो है कलियां निकली हुई है ये देखिए, और इसकी वीडियो तो आपको मिलेगी पूरी मेरे इसमें चैनल में। और आप उस लिख लेना एग्रीकल्चर किसान की वीडियोस के नाम से वो निकल जाएगा। देखिए ये हाल, देखिए क्या हो चुका है यहाँ पर, ये पक्का बालू का है। जब रीच इस रास्ते से आता है और जाता है, और हम चलते अब आगे की तरफ, रीच ने सारा चावल खराब कर दिया हुआ है। और ये देखिए इसका रास्ता यहीं से है, क्योंकि जब इसके यहाँ से तंग पड़ा हुआ है ना रास्ता, तो तब इसे यहाँ से सीधा नीचे छलांग मारी हुई है। बाकी चलो नुकसान हो गया कोई बात नहीं, वो भी अल्लाह का ऊपर वाले का दिया हुआ जानवर है, और जब रास्ते हम रखते नहीं तो वो खुद ब खुद रास्ते बनाते हैं। और यहाँ से देखिए इस साल मुझे लगता है अच्छा निकलेगा, कुछ ना कुछ मैं चावल ज़रूर अच्छा खाऊंगा। और उसके बाद में आपको अब नीचे उतरूँगा, पानी किसने लगाया। अब यहाँ पर इतना खतरनाक मसला है कि डर ही बहुत लगता है, क्योंकि जानवर बहुत खतरनाक है। इसकी जो नाखून होते हैं ना, नाखून ये जिसे लोहे के शरीर नहीं होते, रॉड रॉड की तरह इसके नाखून होते हैं, बहुत ही खतरनाक नाखून होते हैं। और इस जानवर से डरना बहुत पड़ता है। देखिए ये रीच के हालात है, जिसे भालू कहते हैं। और डर तो जायज बात है, डर होना चाहिए ऐसे जानवर का। जो जानवर वैश्य हो उसका डर जरूर होना चाहिए, और डर के बगैर आप, ये मैं खोल रहा हूँ कुंडा, ये देखिए अब हम अंदर जा रहे हैं सेफ जोन में। ये देखिए, क्योंकि मैंने वाइफ को बोला आप पीछे आ जाना, वाइफ को मैंने बाद में आना है, और हमने जो यहाँ से ले जाना है मक्कियाँ, ये तोड़नी है मक्की, क्योंकि हमें ये ख़त्म कर चुका है। देखिए ये देखिए पहले ही ख़त्म हो चुकी है, कौओं ने खाई हुई है, और हम ये मक्कियाँ तोड़ेंगे सारी। और ये देखिए एक और है, और इतनी सी निकली है। और ये जो है ना साग, ये कश्मीरी पालक है, और ये अक्सर कश्मीर में इस पालक को कश्मीरी क्रेमहाग बोलते हैं, इसको हम क्रेमहाग बोलते हैं। और कद्दू, ये देखिए जी कद्दू 3-4 बन चुके हैं इसमें, मैं नज़दीक एक तो अभी पीछे ले गया था मैं यहाँ से। देखिए एक ये है, ये मेरा खेत मुझे ट्रॉफियाँ देता है, हर 10वें 20वें दिन के बाद मुझे एक न एक कद्दू मिलता है, और मेरा खेत मुझे ट्रॉफी देता है, और हम इसे एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है एक और मक्की बची हुई है, और हमें इसे भी निकालना चाहिए, क्योंकि रीच इसको रखेगा ही नहीं कुछ भी, वो बालू रखेगा ही नहीं, इससे अच्छा हम घर में बच्चे खाएंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए वीडियोस में, और मेरी वाइफ जो पीछे आएगी इसके बाद आएगी। वीडियोस पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। कश्मीर की खेती, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए ये कश्मीरी पहाड़ी पलम है, देखिए देख रहे होंगे आप, खैर दूर है ज़रा कांटे है उधर, नहीं तो मैं आपको वहाँ तक पहुँच जाता आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियोस लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना जिसने नहीं किया, और जो मेरा जिसने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ऑल, उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस कोई भी डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगी।
प्यारे प्यारे ब्लॉग के लिए, और मैं रिएक्शन वीडियोज भी बनाता, कॉमेडी भी बनाता, आपको फुल मसाला मिलेगा इस चैनल पे। तो ठीक है भाई, भाई अपना ख्याल रखना।